जाने से महाराज महिपति क्रोधित होते हैं। सुहागी और किशन की बात मानकर मल्लिका भोजन के लिए रुक जाती है। राजपुरुषों के षड्यंत्र की बात मल्लिका से सुनकर महारानी चिंतित होती हैं। सेनापति और महामंत्री महाराज को भड़काने में सफल होते हैं। प्राणों पर संकट की बात सुनकर मल्लिका महल से भाग निकलती है। महारानी का अपमान करते हुए सेनापति सभी को सावधान करता है। नंदी भृंगी को निराश करके गौरी पुत्र दयासुर को पुकारते हैं। उधर देवराज सुहागी माई की कुटिया का द्वार खोलते हुए मल्लिका कहती है, बेटे कोई है द्वार पर? रुक क्यों? द्वार खोलो शीघ्र। राजकुमारी की आवाज होती है। राजकुमार जी आप इस समय? राजकुमारी जी आप राजमहल से लौट क्यों आई? आप पर कोई संकट है क्या? हमारे राज्य पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया है? शत्रु राजा ने नहीं, आप लोगों ने ही पिता महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। उनके प्राण संकट में है, मेरे पिता के प्राण संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, हे मंगलमूर्ति श्री गणेश, हमें हमारी चिंता नहीं है प्रभु। हमने तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु हमें हमारे पिताजी के प्राणों की चिंता है प्रभु। हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कीजिए गौरी पुत्र, हमें कृपा कीजिए। षड्यंत्रकारी उन्हें मार देना चाहते हैं। हे गौरी पुत्र, हमारे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अभिमान ने उनके बुद्धि विवेक को हर लिया है प्रभु, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। उन्हें क्षमा कीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। राजकुमारी पर दया करना श्री गणेश, इन्होंने सच्चे मन से आपकी आपकी भक्ति की है। इन पर कभी कोई कष्ट आए, उनकी मूर्ति आपको मेरी सौगंध। ओ गणपते नमः, ओ गणपते नमः, ओ गणपते नमः। दो बार पुकारने पर भी दयासुर प्रकट क्यों नहीं हुआ? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया? देखो राजकुमारी राजमहल से भागकर यहाँ आ चुकी है। रात भर छकाया, बंदी बना लो इसे। चलो हम अंधे हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या करें? अवश्य ये स्त्री मायावी और तांत्रिक है। यदि हम राजकुमारी को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए
तो सेनापति हमें मृत्यु दंड देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप बुद्धि और विवेक को कुंठित कर देता है। निर्दोष राजकुमारी को बंदी बनाने के प्रयास में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ समय के लिए हमने तुम्हारी दृष्टि छीन ली है। कौन है भाई, किसका स्वर है? शांत रह के उनकी बात सुनो। हम चाहते तो तुम्हें इस अपराध के कारण सदा सदा के लिए अंधा बना सकते थे, परंतु इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। महामंत्री और सेनापति का दोष है, जिन्हें हम शीघ्र ही दंडित करेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है, तो हमारी दृष्टि वापस कर दो। हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे कृपा की भीख मांगते हैं, हम पे दया करो। इस कुटिया से पलट कर बाहर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। किंतु तुमने यदि सेनापति से जाकर ये कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है, तो तुम सदा सदा के लिए अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, जब तक शत्रु जीवित है तब तक सावधान रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, आप महाराज और महारानी को लेकर सभा में पहुंचिए, सारा खेल वहीं शुरू होगा। परंतु सावधान रहना सिरा पड़े और भूल कर भी खेल के समय राजसभा में नहीं आना। महामंत्री रुद्रदत्त, ये सब क्या है? तुम्हारा ये व्यवहार हमारे मन में आशंका पैदा कर रहा है। सच सच बताओ, तुमने हमें राजसभा में आने के लिए विवश क्यों किया? अपनी दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। मुझे अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महाराज के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके प्राणों पर संकट है महाराज, और इसीलिए मैं आपको राजसभा में लेकर आया। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरा विश्वास करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राज सिंहासन के पीछे राजमहल से बाहर निकलने का गुप्त मार्ग है। किसी अनहोनी को टालने के लिए यहाँ आपको बुलाना मैंने उचित समझा महाराज। बंदी बना लो, अब किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने हिलने का भी प्रयास किया तो हम उसे यमलोक पहुंचाने में पल की भी देर नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? इस समय तो आपकी मृत्यु। हम जानते हैं महाराज कि आपको अपने राज सिंहासन से बहुत प्रेम है, इसीलिए इसी राज सिंहासन पर बिठाकर हमने आपको यमलोक पहुंचाने का निर्णय किया है। हमारा निर्णय उचित है ना महाराज? रुक जाओ, मेरे होते हुए महाराज तक नहीं पहुंच सकते तुम। हट जाओ। Yeah!
हमारा षड्यंत्र विफल हो गया है। किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति ने हम सबको तलवारों से घायल कर दिया और षड्यंत्र सफल हो जाने पर मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन तुम इतना अधिक मदिरापान करते हो। हट! मेरी बात का विश्वास करें, वो तलवारें बिना किसी सहारे के चल रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो। जो काम तुमसे ना हो सका वो अब मैं करूंगा। प्रणाम गौरीपुत्र। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। उसी ने तुम्हें मदिरा पान करने वाले असुरों के समान अचेत कर दिया। मुझे क्षमा करने गौरीपुत्र, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सच कह रहे हो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारी सच्ची गणेश भक्ति ने तुम्हें भयासुर से दयासुर बनाया। तुम ये भी भूल चुके हो कि हमारे और हमारे भक्तों के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम सचमुच सब कुछ भूल चुके हो। मेरी इस भयानक भूल को क्षमा कर दे मंगल मूर्ति। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्या आप तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं रहा? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। नहीं प्रभु, नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। उस आसुरी तत्व के कारण ही तुमने ये सोच लिया कि संसार के सभी गणेश भक्तों का उद्धार हो गया और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो ये भी सोच लिया कि तुम हमारी सेवा करते करते बहुत थक चुके हो और तुम्हें लंबी, गहरी और वर्षों तक सुला देने वाली नींद की आवश्यकता है। अब
मेरे लिए क्या आज्ञा है गौरीपुत्र श्री गणेश? आज्ञा का संबंध तो भक्ति और समर्पण के संबंध से जुड़ा था, परंतु अब तो तुम मेरे लिए दयासुर भी नहीं रहे, दयासुर बन गए हो। पहले के समान दयासुर, अब तो तुम्हें हमारे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ पता लो जाकर अन्य असुरों के समान अचेत होकर लंबी निद्रा का आनंद लो। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, मुझे मुझे क्षमा कर दे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी चरण सेवा से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दे, परंतु मुझे अपने से दूर न करे प्रभु। तो पहले हमें वचन दो कि तुम आलस का त्याग करके सदा सचेत रहोगे, हमारे वरदान के कारण सामान्य मनुष्यों के समान निद्रा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी, तुम कई कई युगों तक सचेत रह सकते हो, सेवा का कर्तव्य निभा सकते हो। प्रभु, प्रभु मैं परम देव श्री महागणेश और आपके चरणों की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि सदा सचेत रहकर श्री गणेश भक्तों की सहायता करता रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भावना से हम प्रसन्न हुए, अब तुम हमें दयासुर के समान ही दिखाई पड़ रहे हो। जय जय श्री महागणेश। अब आप मुझे आज्ञा दे गौरी पुत्र, मैं किसकी सहायता करूं, किसे गणेश भक्ति का संदेश दूं, कहे गौरी पुत्र कहे। तुम जिस गुफा में अचेत पड़े थे उसी में पूर्व जन्म के एक पापी की आत्मा असुर बनकर तड़प रही है, गणेश भक्ति से उसका उद्धार हो सकता है, इसीलिए उसे गणेश भक्ति की प्रेरणा दो। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। अधूरा आदेश लेकर अदृश्य होने की उतावली न दिखाओ दयासुर, हमारे और भी भक्त हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी मल्लिका, उसकी दाई सुहागी और सुहागी के पुत्र किशन पर भी हमारी कृपा बिखेरने के माध्यम बनो दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश जी की भक्ति का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देख लिया राजकुमारी जी। दुष्ट सेनापति की चाल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। सेनापति ने जो सैनिक आपको पकड़ने के लिए भेजे थे वे गणेश जी के कोप से अंधे होते होते बच गए। हमें हमारी चिंता नहीं है किशन, हमें तो हमारे पिताश्री और माताश्री की चिंता है। वे दुष्ट महामंत्री और सेनापति उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप भूल गई राजकुमारी जी, आपने गणेश जी से सबसे पहले महाराज और महारानी की रक्षा करने की ही प्रार्थना की थी। गणेश महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते राजकुमारी जी, उन्होंने अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी होगी। महाराज और महारानी की रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया होगा। आप इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरा मन कहता है राजकुमारी जी कि वे दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हे विघ्नहर्ता, हे शोककर्ता श्री गणेश, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सुहागी मैया और किशन की बातें सत्य हो जाए। वे दोनों दुष्ट मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न दे पाए। इस मूर्ख ने तुम्हें राजवैद बताया, तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उपचार मेरी पीड़ा अधिक बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आए हैं तुम्हें राजवैद्य बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी, आपके ये घाव साधारण घाव नहीं, आप पर आघात करने वाला अवश्य ही महाशक्तिशाली होगा। कितने गहरे घाव हैं ये। आपके स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो अब तक यमलोक पधार गया होता। सेनापति जी, सारे के सारे प्रहार पीठ और कंधे पर पड़े हैं। क्या आपको लड़ते लड़ते
शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी थी। चुप रहो राजवैद्य, तुम अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हो। मेरा क्रोध तुम्हारे शरीर पर ऐसे सैकड़ों आघात उभार देगा। सेनापति जी, हमने आपका उपचार कर दिया है, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः हम फिर आएंगे। प्रणाम, आओ। सेनापति जी, उस घटना के बाद से महाराज की निराशा और बढ़ गई है। वे हर ओर से उदास और निराश हो गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जब षड्यंत्रकारी उन्हें हमला किया, तब आप क्यों नहीं आए? महामंत्री कहाँ आए? हम यहाँ हैं सेनापति। सैनिक प्रमुख अजय सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु केवल इस कक्ष को नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। षड्यंत्र सफल होते ही हम तुम्हें शीघ्र ही बुलवा लेंगे। परंतु सेनापति जी, महाराज न केवल इन्हें पहचान चुके हैं, अभी तो इन्हें बंदी बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। यदि ये हमारे कक्ष में पाए गए। समझ गया, समझ गया। सेना प्रमुख, तुम समझ गया। सेनापति जी, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अपने छुपने के स्थान की सूचना हम भिजवा देंगे। महामंत्री जी, पहले तो मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर वो रहस्यमय तलवार मैंने देखी, इसने सर मुझे भी घायल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं है सेनापति जी, वो एक दुर्घटना थी जो घट गई, उसे भूल जाइए। ये तो अच्छा हो कि उस दिन हमारी कूटनीति की बात मानकर हम महाराज के पास चले गए। क्या महाराज को? नहीं, हमारे वहां होने के कारण महाराज को आप पर कोई संदेह नहीं। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, शीघ्र ही आप हमारे साथ महाराज की सेवा में चलिए। नहीं महामंत्री जी, यदि मैं इन आघातों के साथ महाराज की सेवा में गया तो वो मुझ पर संदेह करेंगे। अर्थात अब आपको हमारी कूटनीति पर विश्वास नहीं रहा? कूटनीति? हाँ हाँ, कूटनीति। हमने महाराज को विश्वास दिला दिया है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र और प्राण घातक आक्रमण राजकुमारी मल्लिका ने ही करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? वही जो सच है सेनापति जी। मैंने महाराज से कहा कि राजकुमारी मल्लिका के सैनिकों ने ही हमारे सेनापति को भी घायल कर दिया है। चलिए, महाराज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आप धन्य है महामंत्री जी, धन्य है आपकी बुद्धि और विवेक, और धन्य है आपकी आए कूटनीति। तो अब चलिए सेनापति, महाराज की सेवा में। आपको इस प्रकार आहत और घायल देखकर उनका मन सहानुभूति से भर जाएगा। आस्तीन के साथ महामंत्री और सेनापति की ओर से आपको सावधान हो जाना चाहिए। मल्लिका सच कह रही थी, वे दोनों आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तुम अज्ञानी तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई हो। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र सेनापति और महामंत्री ने नहीं, अपितु उसी अशुभ कन्या मल्लिका ने करवाया। ये झूठ है महाराज, षड्यंत्र में असफल हो जाने के कारण सेनापति और महारानी यदि सेनापति और महामंत्री ने षड्यंत्र किया होता तो षड्यंत्रकारी सैनिक हमारे साथ साथ महामंत्री को दंडित क्यों करते? क्यों उन दुष्टों की चाल थी महाराज, जो अब समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी स्वामी, अभी समय है। आप अपने विश्वासी सैनिकों को एकत्र करके महामंत्री और सेनापति को बंदी बना लें, ताकि फिर से षड्यंत्र करने का कोई साहस न कर सके। महारानी,
हमें मूर्खता भरे परामर्श ना दो। अभी तो हम केवल यही सोच रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज। महाराज, हमें खेद है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध राजकुमारी मल्लिका ने अपने सैनिकों से आपको बंदी बना लिया। महामंत्री ने हमें बताया सेनापति कि उन षड्यंत्रकारियों ने आपके ऊपर भी प्राण घातक प्रहार किए। महाराज, आपकी कृपा और अपनी इच्छा शक्ति से मैं बचा हूं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु महाराज, मैं उन षड्यंत्रकारियों को छोड़ूंगा नहीं। सेनापति, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये षड्यंत्र हमारी अशुभ कन्या मल्लिका के संकेत पर किया गया? हाँ महाराज, राजकुमारी मल्लिका राजद्रोहिणी बन गई है। शत्रु राजाओं की सहायता से उन्होंने एक सेना भी एकत्र कर ली है और उन्हीं सैनिकों ने आपको बंदी बनाकर आपको मारने का प्रयास किया था। महाराज, ये झूठ है। महाराज, मेरी पुत्री पर मिथ्या आरोप लगाया है। महारानी जी, यदि ये झूठ होता तो सेनापति जी को इतने भयानक आघात कैसे लगते? आप स्वयं इनके घाव देखिए, कोई शत्रु ही ऐसे घाव दे सकता है। ये घाव इस बात का प्रमाण है कि सेनापति चंद्र सिंह ने मल्लिका के दुष्ट षड्यंत्रकारियों को भगाने का पूरा प्रयास किया, परंतु एक बात हमारी समझ नहीं आई कि दुष्ट षड्यंत्रकारियों से हमारी प्राण रक्षा करने वाली वो अज्ञात शक्ति कौन थी? अज्ञात शक्ति? हाँ महाराज, मैंने किसी अज्ञात शक्ति को नहीं देखा। हाँ, हमारे सैनिकों को उन्हें खदेड़ते हुए अवश्य देखा। हाँ महाराज, पहला आक्रमण उस पर हुआ, आहत होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अपने विश्वस्त सैनिकों को आपकी रक्षा में भेज दिया। हमारे अनेक सैनिक घायल हुए महाराज, परंतु अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए षड्यंत्रकारियों को भागने के लिए विवश कर दिया। इन दोनों के षड्यंत्र को पहचाने महाराज, ये हमारी आंखों देखी को झुठलाना चाहते हैं। महारानी सही कह रही है, वहां पर हमारा कोई सैनिक नहीं था, केवल एक तलवार थी। तलवार? कैसी तलवार महाराज? कौन चला रहा था उस तलवार को? कोई नहीं, वो तो स्वयं चल रही थी और हमारे शत्रु। महाराज, क्या आप भी अंधविश्वास और चमत्कारों में विश्वास करने लगे हैं? महाराज, ये आपका भ्रम है। मैं भी तो आपके साथ वहां था, मैं भी तो बंदी बना गया था। महाराज, मेरे प्राण भी तो संकट में थे। महाराज, मैंने तो केवल अपने बहादुर सैनिकों को लड़ते हुए देखा। अर्थात? हाँ महाराज, जब कोई संकट में फंस जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संकट से अधिक तो इस अंधविश्वासी महारानी ने हमारी बुद्धि भ्रमित कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि तलवार अपने आप कैसे चल सकती है, ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? महामंत्री, क्षमा चाहता हूँ महाराज, अवसर ही नहीं मिला। अपने सेना के घायल अनेक बहादुर सैनिक राजवैद्य जी के औषधालय में पड़े, मैं वही चला गया था महाराज। ये आपने बहुत अच्छा किया महामंत्री, दुष्ट मल्लिका से हमारे संबंध पहले ही समाप्त हो गए थे और राजद्रोह करने के बाद वो हमारे कठोर दंड की पात्र बन गई है। क्या आप जानते हैं कि वो दुष्टा इस समय कहाँ होगी महामंत्री? जी हाँ महाराज, हमारे गुप्तचर उन्हें खोजने में सफल रहे। राजकुमारी जी? राजकुमारी नहीं, उसे राजद्रोहिणी कहो। क्षमा महाराज, वो राजद्रोहिणी इस समय प्रजा को आपके विरुद्ध करने का षड्यंत्र कर रही है। अर्थात? महाराज, प्रजा के बीच में जाने के लिए उसने आपकी दासी सुहागी के घर को अपना निवास बनाया है और वो सुहागी का बेटा किशन वो उस राजद्रोहिणी की सहायता कर रहा है। महाराज, आप तो जानते हैं सुहागी का गांव हमारे राज्य की सीमा पर है, हमारे शत्रु राजा वहां सरलता से उनसे संपर्क कर लेते हैं। महाराज, सेनापति चंद्र सिंह, आप सेना की एक विशेष टुकड़ी को साथ लेकर सुहागी के गांव पर आक्रमण कर दें और उनके षड्यंत्र को कुचल दें। सुहागी, किशन और मल्लिका को हमारे सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत करें। जो आज्ञा महाराज,
हम तो केवल इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल सूर्य उगने से पहले मैंने उन दुष्टों को छठी का दूध न याद दिलाया तो मेरा नाम भी चंद्र सिंह नहीं। महाराज, आपके विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को यदि कुचलने में हम असफल रहे तो आज जन्म आपके मूल्य उठाएंगे। महाराज प्रणाम। महाराज महाराज, इन दोनों की बातों से हमें बहुत बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमारी बेटी राजद्रोहिणी नहीं बन सकती। बेटी नहीं, चुड़ैल। वो अशुभ कन्या जब से जन्मी है चुड़ैल की भांति हमारे जीवन की सुख शांति को लील रही है। यह कब भ्रम है स्वामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझ पर एक कृपा करें। कहो। आप भी मेरे साथ सुहागी के गांव चलकर सत्य को अपनी आंखों से देख लें। असंभव, हम उस दासी के गांव कदापि नहीं जाएंगे। उसे नाक रगड़ कर बंदी बनाकर यहां बुलाएंगे। परंतु महाराज, मल्लिका। मर गई मल्लिका हमारे लिए। यदि उसका प्राणांत हमारे सैनिकों द्वारा होगा तो हमें दुख नहीं सुख होगा महारानी, सुख होगा। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी पुत्री के विघ्नों का अंत करके इसे शुभ और मंगल का वरदान दो। कृपा करो श्री गणेश, कृपा करो। पापी की आत्मा कहाँ हो तुम? भाई कौन हो तुम? मुझे अपशब्द मत कहो भाई। यदि मैं पापी होता तो श्री गणेश का जाप कैसे करता? बात तो तुम्हारी सत्य है, श्री गणेश का नाम लेने मात्र से पाप का अंत स्वयं ही हो जाता है। परंतु समझ में नहीं आता मेरे पापों का अंत कब होगा, कब मेरे प्राण इस चट्टान से बाहर निकलेंगे। भाई कौन हो तुम? यदि तुम पापी ना होते तो मंगल मूर्ति श्री गणेश तुम्हें पापी आत्मा क्यों कहते? संकोच ना करो, अपना परिचय दो। परिचय तो मैं स्वयं अपना नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि श्री गणेश का जाप करने से मेरा उद्धार होगा। अब मेरे प्राण अधिक समय तक इस चट्टान के अंदर नहीं रहेंगे। अब मुझे किसी प्रकार इस चट्टान से बाहर निकालो। जय जय श्री मां गणेश। तुम स्वयं कह रहे हो कि श्री गणेश का नाम तुम्हारा उद्धार करेगा, तो मेरे साथ श्री गणेश के नाम का जाप करो और अपने प्राण को बाहर निकाल लो। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। लोभासुर, लोभासुर, लोभासुर। भाई क्या तुम्हारा नाम लोभासुर है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि श्री गणेश का नाम लेने से ही मेरा उद्धार होगा। परंतु तुम अपना परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा और तुम बार बार श्री गणेश और श्री महागणेश का नाम क्यों लेते हो? जय जय श्री महागणेश। क्योंकि मैं श्री गणेश और परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूँ, उन्हीं के नाम से मेरा उद्धार हुआ है। असुर योनि में भयासुर के नाम से जन्मा मैं उन्हीं की कृपा से दयासुर बन गया। भयासुर से दयासुर? क्यों भाई, तुम अट्टहास क्यों करने लगे? तुम
भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना, और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर, इसीलिए हंसा। और तुम मेरे भाई के समान हो और असुर असुर मौसेरे भाई, इसीलिए मेरे साथ हंसो। अरे भाई तुम रोने क्यों लगे? क्यों, तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? समझता हूँ भाई, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हंसे? क्योंकि लोभासुर भाई इस समय हंसने से भी आवश्यक काम हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन सा काम? जय श्री मां गणेश। तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें श्री गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। आओ मेरे साथ बैठकर श्री गणेश जी को प्रसन्न करने वाले मंत्र का जाप करो, वो तुम्हें इच्छित वरदान देंगे। तुम असुर होकर भी बड़े विद्वान दिखाई पड़ते हो। जय श्री मां गणेश, ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी कृपा के पात्र बनो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जय श्री मां गणेश। ओम गण गणपतये नमः। जय श्री मां गणेश। ओम गण गणपतये नमः। जय श्री मां गणेश। ओम गण गणपतये नमः। सैनिकों से मल्लिका और उसके माता पिता की रक्षा करते हैं। दयासुर को प्रताड़ित कर गौरी पुत्र भक्तों की सहायता का आदेश देते हैं। महामंत्री की कुटिल योजना से सेनापति प्रसन्न हो जाता है। महारानी श्री गणेश से मल्लिका पर कृपा करने की प्रार्थना करती है। सैनिकों के साथ सेनापति और महामंत्री सुहागी की कुटिया में पहुंचते हैं। दयासुर की प्रेरणा से लोभासुर श्री गणेश आराधना में लीन होता है। ओम गंगणपतये नमः। पहले अशुभ मल्लिका की प्रेमी इस अभागी कृष्ण को समाप्त कर दो, फिर उस मल्लिका को समाप्त करने में आसानी रहेगी। दुष्ट, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? तू भेज जा।
अनर्थ तो अब होगा। ना मेरे बच्चे, ना मेरे बेटे। हे श्री गणेश, क्या हो गया? अरे वो दुष्लोक मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा कर गए और आप देखते रह गए, देखते रह गए। ना, किसान को ठीक कर दीजिए गणपति महाराज, भले ही आप हमारे बैल ले लीजिए। वो सुहागी माई का सहारा है, उनके बुढ़ापे की लाठी है। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उन पे दया कीजिए। हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। यदि किसान ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु किसन को ठीक कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, किसन को ठीक कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु, किसन को ठीक कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु। यदि किसन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु किसन को ठीक कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु। हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। तुम्हारी सौगंध पर विश्वास कर लेना अनुचित था। हमारे सावधान करने पर भी तुम नींद से अचेत होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे। अब हमारे सेवक बने रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। हमने तुम्हें मल्लिका, सुहागी और किशन की सहायता का आदेश दिया था, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। अब कभी हमें अपना मुंह न दिखाना। मेरी भूल को क्षमा करें क्षमा निधान श्री गणेश, मैं अभी उन तीनों की सहायता के लिए पहुंचता हूं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। जाना तो हो गया भाई,
अब रोने से कुछ नहीं होगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, श्री गणेश। अपनी इच्छा मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं प्रभु। किशन पर दया कीजिए प्रभु, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारे एक कारण सेनापति ने इन्हें विकलांग कर डाला प्रभु। इन्हें फिर पहले जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए, हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। मंगल मूर्ति का रोष उचित है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने अचेत होकर भयानक भूल की है। यदि मैं इसकी सहायता के लिए उपस्थित होता तो किशन कभी विकलांग ना होता। मैं क्या करूं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं मंगल मूर्ति। आप तो प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु, तो क्या आप हमारी सच्ची प्रार्थना सुनकर भी आप सुनना नहीं चाहते? किशन पर दया कीजिए प्रभु, किशन पर दया कीजिए मंगल मूर्ति। ये मेरी भूल नहीं, भयानक पाप है। यदि आपको दंड ही देना है श्री गणेश, तो मुझे दंड दीजिए, मेरे पैरों को काट दे, परंतु इस युवक को स्वस्थ कर दे। राजकुमारी मल्लिका की प्रार्थना सुन ले श्री गणेश, ये आपकी सच्ची भक्ति है। दया करे दया निधान, कृपा करे कृपा निधान। हे श्री गणेश, ये मेरे किन पापों का दंड दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरे पाप है, इनका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। मैं अपनी वर्धनी शक्ति से किशन के कटे हुए पाँव को जोड़ दूंगा। जय जय श्री मां गणेश। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप दोनों? महाराज, राजकुमारी मल्लिका ने... राजकुमारी मत कहो उस अशुभ कन्या को, वो राजकुमारी नहीं हमारी घोर शत्रु है। आप सच कह रहे हैं महाराज, सुहागी की कुटिया पर पहुंचकर हमने मल्लिका को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके सैनिकों ने हम पर पीछे से वार किया महाराज, और हमें मार डालने का प्रयास किया। महाराज, ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि मल्लिका को बहकाने वाला किशन को हमने मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका क्या अभी भी सुहागी की कुटिया में है? नहीं महाराज, वो हमले की आड़ में वो हमारी दृष्टि से भागने में सफल रही। परंतु आप चिंता ना करें महाराज, वो अशुभ मल्लिका सुहागी की कुटिया में अवश्य लौट कर आएगी और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, महामंत्री जी का अनुमान सच था, वो वहां रहकर प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रही है। हाँ हाँ महाराज, उसी के कारण प्रजाजन ये मानने लगे हैं कि आप मल्लिका के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। तब तो उसे बंदी बनाकर दंडित करना और भी आवश्यक हो गया है। क्षमा करें महाराज, परंतु बंदी बनाकर दंडित करने से समस्या का हल नहीं होगा। प्रजा आपके विरुद्ध है, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। उपाय? कैसा उपाय? भीतर आइए। किस उपाय की बात कर रहे थे आप? महाराज, प्रजा के आक्रोश को देखते हुए हमें कुटनीति से काम लेना होगा। अर्थात? अर्थात प्रजा को संतुष्ट करने के लिए आप मल्लिका का विवाह किसी योग्य राज पुरुष से करवा दीजिए। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा महाराज, बहुत कुछ। पुत्री के प्रति पितृ स्नेह देखकर प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और मल्लिका सदा सदा के लिए आपसे दूर भी हो जाएगी महाराज। हम आपकी बात से सहमत है महामंत्री रुद्रदत्त, मल्लिका जन्म से ही हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। पिता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसका विवाह करना ही होगा, परंतु ऐसा कौन सा राजपुरुष होगा जो इस अभागन कन्या से विवाह करेगा? उसकी चिंता आप ना करें महाराज, एक श्रेष्ठ राजकुल का राजकुमार हमारी दृष्टि में है, वो भी पुरुष मल्लिका के लिए सर्वथा योग्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। कौन है वो श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ राजकुमार? महाराज, आप मल्लिका के विवाह का निश्चय कर ले तो हम उन्हें बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे महाराज। महामंत्री, ये काम जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा, हमने निश्चय कर लिया है।
कि मल्लिका को अपने से दूर करने के लिए हम उसका विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले उसका पता लगाकर उसे अपने अधीन करना चाहेंगे। हम उसका पता लगाकर रहेंगे महाराज। उसके दुष्ट सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके वीरता को कलंकित किया है। उन्हें दंडित करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। महाराज, इस समय अपने दलबल के साथ आप सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करें। मल्लिका आपको अवश्य वही मिलेगी। क्या कहा? मेरी प्रिय पुत्री सुहागी के गांव में? महाराज, मैं भी उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलिए। नहीं महारानी, आप हमारे साथ वहाँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। इस समय महारानी जी को अपने साथ ले जाना उचित होगा महाराज। कूटनीति ये कहती है कि जो काम कभी कभी अस्त्र शस्त्र शक्ति और क्रोध से नहीं बन पाते, वो कभी कभी ममता और प्रेम से बन जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज, आप महारानी जी को अवश्य ले जाए। महारानी, हम इसी समय सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। पातालवासी असुर प्रकट हो, ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुर प्रकट हो, ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर लोभासुर पृथ्वीवासी लोभासुर 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। पृथ्वीवासी लोभासुर, ये कौन सा असुर है? इसका नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर लोभासुर पृथ्वीवासी लोभासुर 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। लोभासुर, तुम असुर हो और तुम्हें असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। असुरों का वध करते हैं उन श्री गणेश की नहीं। ओम गंगणपतये नमः। लोभासुर, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर असुर और दैत्य का गुरु, क्या तुम अपने गुरु को कलंकित और अपमानित करना चाहते हो? ओम गंगणपतये नमः। दुष्ट लोभासुर, यदि अब भी तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, तो मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें बलपूर्वक मेरे आश्रम पहुंचा दूंगा। ओम नमः शिवाय। लोभासुर, मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। लोभासुर, मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, क्या मेरी सिद्ध शक्तियां समाप्त हो गई हैं? ओम गंगणपतये। क्या मेरी जीवन भर की शिव आराधना और शिव भक्ति असफल हो गई है? ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। दयासुर, तुम यहाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये नहीं जानते कि किसी भी सच्चे भक्त पर किसी भी सिद्ध शक्ति का प्रभाव नहीं होता? भक्ति की शक्ति के सामने
तंत्र मंत्र यंत्र के साथ ही सभी सिद्ध शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। दयासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं? इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हम सब कुछ जानते हैं। जय जय श्री महागणेश। तब तो आप ये भी जानते होंगे दैत्य गुरु कि आपने श्री गणेश की आराधना करने वाले एक सच्चे भक्त की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, जो कि एक पाप है। इसके लिए आप श्री महागणेश के दंड के पात्र भी बन सकते हैं। दंड? भृगुपुत्र शुक्राचार्य को दंड? क्या तुम नहीं जानते दयासुर कि मैं भी भगवान शिव का भक्त हूँ और मेरे आराध्य भगवान शिव तुम्हारे महागणेश के अवतार गौरी पुत्र के पिता है। पिता का स्थान पुत्र से ऊंचा होता है। हर हर महादेव। तुम बुद्धिहीन और अज्ञानी हो दयासुर, इस सत्य को कभी नहीं समझोगे। दैत्य गुरु, आप मेरे पूज्य हैं, आपके अपशब्द भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान हैं। परंतु जय जय श्री मां गणेश, सत्य तो सत्य ही रहेगा दैत्य गुरु। यदि आपको इस सत्य पर विश्वास न हो तो आप स्वयं जाकर भगवान शिव से पूछ लें, आपकी हर दुविधा का अंत हो जाएगा। मैं इस लोभासुर को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपको अपनी धुनी यहीं रमानी पड़ेगी दैत्य गुरु, क्योंकि ये लोभासुर तब तक श्री गणेश की आराधना को नहीं छोड़ेगा जब तक गौरी पुत्र श्री गणेश से अपना इच्छित वरदान प्राप्त नहीं कर लेगा। प्रणाम दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। धन्य है आपकी कूटनीति महामंत्री जी, धन्य है। आपने महाराज और महारानी को इतने लंबे समय के लिए राजधानी से दूर कर दिया। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। अवश्य महामंत्री जी, अवश्य। मैंने अपने सारे सैनिक सावधान कर दिए। विश्वास रखिए, सुहागी की गांव की ओर गए महाराज और महारानी लौट कर राजधानी नहीं आएंगे। राजकुमारी मलिका भी जीवित नहीं बचेगी। परंतु सेनापति जी, इस विशेष सैनिक टुकड़ी का नायक कौन है? नायक भी उन तक शीघ्र पहुंच जाएगा। सैनिक। आज्ञा सेनापति जी। सेना प्रमुख अजय सिंह महावान की काली पहाड़ियों में गुप्तवास कर रहे हैं, उन तक हमारा ये संदेश शीघ्र पहुंचाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। परंतु सैनिक प्रमुख अजय सिंह तो। महामंत्री जी, इस बार हमें सफल होना ही है। सेना प्रमुख अजय सिंह के पराक्रम को आप नहीं जानते। हमने उसे संदेश दिया है कि महाराज और महारानी को यमलोक पहुंचाकर ही वो हमें अपना मुंह दिखाए। वैसे सेनापति जी, आपने उस अशुभ अभागन कन्या के लिए किस राजपुरुष का नाम सोचा है? नाम बताने का अवसर ही नहीं आएगा महामंत्री जी। यदि आ भी गया तो एक ऐसे अभागे वृद्ध को राजपुरुष बनाकर खड़ा कर देंगे जिसमें ब्याह करने की हवस हो। ठीक, ऐसा ही वृद्ध उसके लिए अच्छा रहेगा। रक्षा करने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश,
उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की। अब तो मुझे सारा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मुझे विश्वास था गणेश जी उन दुष्टों से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु किशन को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जीवन भर के लिए मेरा बेटा अपाहिज हो गया। कब तक मैं इसकी सेवा के लिए जीवित रहूंगी? कैसे पेट भरेगा ये अपना? कौन विवाह करेगा इस अपाहिज से? राजकुमारी मल्लिका, इसे बंदी बना लो। राजद्रोह करने वाली दुष्ट मल्लिका, हमारे चरण स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महारानी, इस दुष्ट से दूर रहो। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि ये जीवन भर भूल नहीं पाएगी। सैनिकों, बंदी बना लो इस अभागन को। बचपन से लेकर आज तक आपने हमें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, और आज आप हम पे राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री, हमारा आरोप झूठा नहीं, सच्चा है। नहीं पिताश्री, ये तो उन दोनों दुष्ट सेनापति और महामंत्री का षड्यंत्र है जो हमें और आपको समाप्त करके इस राज्य को हत्या लेना चाहते हैं। जरा सोचिए पिताश्री, यदि हमें राजद्रोही करना होता तो हम आपके विरुद्ध सेना एकत्र करके उन दोनों दुष्टों को समाप्त कर सकते थे और स्वयं को युवरागी घोषित कर सकते थे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए पिताश्री। वो दोनों हमारे सच्चे हित चिंतक हैं, उन पर हमें पूरा विश्वास है। राजमहल से भागकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है मल्लिका कि तुम हमारी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने पर तुली हो, और इस दासी के घर में रहकर तुम प्रजा को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो, इसे बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। संभल जाइए, सेनापति और महामंत्री आपको मारकर राजा बन जाना चाहते हैं। दुष्ट, तूने ही मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। पिताश्री, नहीं। एक निर्दोष विकलांग पर तलवार उठाना कहां की वीरता है पिताश्री? अपराध तो हमने किया है ना आपकी दृष्टि में, और हम तो जन्म से ही आपके लिए अशुभ है, तो आप हमें क्यों नहीं समाप्त कर देते? आपकी राज प्रतिष्ठा बच जाएगी पिताश्री। अपनी राज प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें सदा सदा के लिए अपने से दूर करने का निश्चय किया है, जिससे तुम्हारी अशुभ छाया भी हमारे राज्य में न रहे। सेनापति जी ने तुम्हारे लिए एक राजपुरुष का चुनाव भी कर लिया है मल्लिका,
ये भी उन दोनों दुष्टों का षड्यंत्र है पिताश्री। वे विवाह के बहाने हमें भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि आपकी रक्षा करने वाला कोई न रहे। परंतु हम इस षड्यंत्र में कदापि नहीं फंसेंगे। जब तक वे दोनों वहां पर हैं, हम राजमहल नहीं जाएंगे, यह हमारा निर्णय है। लेकिन पुत्री, राजमहल का त्याग करके तुम जाओगी कहां? श्री गणेश की इच्छा से गति पाने वाला यह संसार बहुत विशाल है माताश्री, कहीं भी चले जाएंगे हम, परंतु उस अपमान और उपेक्षा भरे वातावरण में कदापि नहीं लौटेंगे, जहां सांस लेना भी असंभव है। दर दर की ठोकरें खाएगी तू, कोई भी पुरुष तुझसे प्यार नहीं करेगा, तेरा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हमारे जीवन की नैया का आधार हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के भक्त सदा ही यशस्वी होते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न विवाह का है, तो हम किसन से विवाह करेंगे पिताश्री? ये तो क्या कह रही है पुत्री? हम सत्य कह रहे हैं माताश्री, हमारे कारण किसन विकलांग हुए हैं, इनका जीवन अभिशापित हो गया है माताश्री, और इस शाप का तो हमें ही प्रायश्चित करना होगा ना माताश्री? हाँ, यदि किसन दासी के रूप में हमें स्वीकार कर ले तो। राजकुमारी जी, भावनाओं में बहकर आप एक ऐसा निर्णय कर रही है जिसके लिए भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। मैं आपके योग्य नहीं, मुझे अपना कर आप स्वयं को दुखों के दलदल में ना धकेलें। आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से। नहीं स्वामी, आपकी और माई की सहमति से यह निर्णय लिया जा चुका है, अब इस निर्णय पर पुनः विचार करने की संभावना ही नहीं है स्वामी। हम आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, अगर आप हमें ठुकराना चाहे तो। ऐसा ना कहें राजकुमारी जी, ऐसा ना कहें। राजकुमारी नहीं, केवल मल्लिका, आपकी मल्लिका। जानते हैं आप जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं, हम आपको साक्षी मानकर किशन को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए गौरी नंदन। आपने इन दोनों के संबंधों को अपनी स्वीकृति दे दी है, मेरे इन दोनों बच्चों पर ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। पिताश्री आशीर्वाद दीजिए। तुझे मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, तुझ पर तो तेरे आराध्य श्री गणेश की कृपा का आशीर्वाद है। परंतु इतना सुन ले, इस विकलांग से विवाह करने के पश्चात भी
तुझे मेरा राज्य छोड़ना होगा, तुझे मेरा राज्य छोड़ना ही होगा। चलो महारानी। महाराज पति की सेवा में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखना। बेटा किशन, इस संसार में मुझ जैसी अभागी और कोई मां नहीं होगी। ऐसा न कहे महारानी जी, ऐसा न कहे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। इन पर श्री गणेश की असीम कृपा है। सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मैं इतनी बेहोश हूं कि तुम्हारा कन्यादान भी नहीं कर सकते। अपनी मां की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गंगणपतये नमः। गौरी पुत्र ने तो स्वयं कहा था कि लोभासुर को श्री गणेश भक्ति के लिए प्रेरित करो। अब जब इसकी तपस्या चरम सीमा तक पहुंच गई है तो गौरी पुत्र से वरदान क्यों नहीं देते? तुम अपना कर्तव्य भूल सकते हो दयासुर, किंतु हम नहीं। हम लोभासुर को वरदान अवश्य देंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हे प्रभु, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। नहीं दयासुर, मेरे दर्शन करने का अधिकार तुमने खो दिया है। नहीं मंदिर मूर्ति, ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है। दीनहीन तुम नहीं दयासुर, तुम्हारी मूर्खता और आसुरी वृत्ति के कारण हमारा भक्त किशन बन गया है। जिस समय तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस समय तुम अचेत पड़े सोते रहे। तुम्हारे ही कारण वह अपने एक पैर से वंचित हो गया। हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है। ये भूल नहीं दयासुर, पाप है, पाप। मेरे नाम की सौगंध लेकर भी तुम अपनी नींद को वश में न कर सके, अपना कर्तव्य भूल बैठे। आप कभी हमसे आज्ञा की उपेक्षा न करना, कभी हमारे पास आने का दुस्साहस न करना। नहीं मंगल मूर्ति, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे श्री गणेश। यही है कारण अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।